नमस्कार, स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जेटेड नियमावली 2022 और 10+2 इंटर स्तरीय, जिसमें टंकक यानी हिंदी टाइपिंग से जुड़ी हुई जो पोस्ट है 2021 की नियमावली को आज फाइनलाइज किया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले, वैसे नए अभ्यर्थी जो हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज झारखंडी छात्रों के लिए बहुत बड़ा दिन है, झारखंडी छात्रों के लिए बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग जेटेट नियमावली 2022 को आज कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। कैबिनेट के द्वारा जेटेट नियमावली 2022 को आज स्वीकृत कर दिया गया, यानी अब जो आपका जेटेट का रास्ता है वो साफ हो गया है। सरकार अब जेटेट लेने के लिए अपनी नियमावली को पूरी तरह से फाइनलाइज कर दिया गया है। इस नई नियमावली में जो विसंगतियां थी उसे दूर कर लिया गया है। विसंगतियां क्या थी? विसंगतियां थी आपकी मार्क्स को लेकर। विसंगतियां क्या थी? तो मार्क्स को लेकर थी। आपका जो लैंग्वेज पेपर है, जिसमें क्षेत्रीय भाषा का जो लैंग्वेज हुआ करता था, उसमें उर्दू भाषा को लेकर कुछ विसंगतियां थी। उर्दू भाषा का वेटेज को ज्यादा कर दिया गया था, जबकि इस बार उसकी जो वेटेज है उसको अन्य भाषाओं के बराबर कर दिया गया है, समान मार्क्स उसमें कर दिया गया है। तो आज जो आपकी नियमावली बनी है जेटेट की, ये एकदम फ्रेश नियमावली बनी है। और फ्रेश नियमावली में अंकों के जो गड़बड़ियां थी, अंकों को लेकर जो उसमें डिस्प्यूट थे, उनको सुधार कर लिया गया है। अब सुधार कर लेने का नतीजा क्या हो सकता है? तो सुधार करने का नतीजा जो है वो है कि अब आप लोगों के लिए जेटेट का रास्ता साफ हो गया है। अब आपको जेटेट के लिए सरकार अग्रसर है, और हमारे जो जैक है, झारखंड एकेडमी काउंसिल को इसका अधिसूचना भेजा जाएगा, और झारखंड एकेडमी काउंसिल के द्वारा अब आप लोगों के जेटेट का आयोजन किया जाएगा। सरकार के द्वारा विगत कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि हम सितंबर तक टेट कंडक्ट करेंगे। सरकार के द्वारा कहा गया है कि हम जेटेट कंडक्ट करेंगे। अब जेटेट कंडक्ट करेंगे, इसमें अब सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि सितंबर तक जो जेटेट कंडक्ट करने की बात है, अब हमें लग रहा है कि जेटेट कंडक्ट हो जाएगी, जेटेट कंडक्ट हो जाएगी। क्योंकि 2016 के बाद 2016 के बाद 2022 तक जितने भी छात्र छात्राओं ने डीएलएड या बीएड की डिग्री लिए हैं या डीएलएड या बीएड की एग्जाम पास किए हुए हैं, उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है, बहुत बड़ी अवसर है। आप लोग अब जेटेट के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। जेटेट का एग्जाम होना अब लगभग तय हो गया है। आपका जो जेटेट एग्जाम है ये जैक बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। मार्क्स की जो विसंगतियां थी आपका भाषा के पेपर पर, उसको आज सुधार कर लिया गया है। और साथ ही अब जेटेट का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इस स्वीकृति को ऑफिशियली अनाउंस किया गया, और अनाउंसमेंट में कहा गया है कि अब जेटेट कंडक्ट हो सकती है। हमने जेटेट परीक्षा संचालन नियमावली 2022 को आज स्वीकृति प्रदान कर दिया गया। मतलब पहले जो हमने आपको न्यूज दिया था, न्यूज में हमने आपको कहा था कि विधि वित्त और कार्मिक विभाग के द्वारा आपका नियमावली फाइनलाइज हो चुका है और कैबिनेट का अंतिम मोहर लगना बाकी है। फाइनली आज सभी झारखंडी छात्रों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज जेटेट नियमावली 2022 का कैबिनेट की अंतिम मोहर लग गई है। तो इस जेटेट में क्या होगा? इस जेटेट एग्जाम में 10th और 12th की कंडीशन लागू रहेंगी। 10th और 12th की कंडीशन लागू रहेंगी। अगर बोला जाए तो 10th और 12th की कंडीशन आप लोग जानते हैं। अगर जिन विद्यार्थियों को 10th और 12th की कंडीशन के बारे में नहीं पता है, उनको मैं बता देता हूं। 10th और 12th की जो कंडीशन है, वैसे छात्र जो झारखंड के आरक्षण नीति से आच्छादित हैं, उनके लिए 10th और 12th की कंडीशन लागू नहीं होंगी। मतलब उनके लिए ये जो नियम है ये शिथिल रहेगी। अगर जितने भी छात्र झारखंड के हैं, उन्होंने अपनी 10th और 12th झारखंड से किए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जेटेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। साथ ही वैसे हमारे जनरल कैटेगरी के वैसे अभ्यर्थी हैं जो 10th और 12th झारखंड से नहीं किए हैं, लेकिन उन्हें ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल रहा है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का अगर लाभ ले रहे हैं, अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जनरल वाले हमारे मित्र जो है वे भी जेटेट का एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो 10th और 12th झारखंड से में किए हो या ना किए हो। इसमें से समस्या किसमें आएगी? तो इसमें जो समस्या है, वैसे जनरल के अभ्यर्थी जो क्रिमिलियर में आते हैं, किसमें आते हैं? क्रिमिलियर में आते हैं, जिनकी ईयरली इनकम 8 लाख से ऊपर है। मतलब वैसे जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थी जिनके फैमिली का ईयरली इनकम, एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा है,
वे लोग अगर झारखंड से 10th और 12th नहीं किए हैं तो वे लोग जेटेट के एग्जाम में नहीं बैठ सकते। यह समस्या अभी भी है, लेकिन इसको कोर्ट में चुनौती दी गई है। देखिए सरकार इस पर भी संशोधन कर सकती है अगर आप लोग दबाव बनाएं, अगर हाईकोर्ट इस पर टिप्पणी करे, हाईकोर्ट इसको नियमावली को फिर से सुधार के लिए भेजे तो संभव है कि इसमें सुधार हो जाए। यह बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार चाहे तो 5 मिनट में इसको सुधार किया जा सकता है, नोटिफिकेशन के समय भी इसको सुधार किया जा सकता है कि वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड के मूल निवासी हैं, स्थानीयता को अगर सरकार परिभाषित करती है तो इसके आधार पर इसको हम लोग योग्य ठहरा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो नियमावली बनी है इसमें झारखंडी छात्रों को लाभ मिलने वाला है। क्या लाभ मिलने वाला है? जो हमारे झारखंड के बाहर से आते थे, मतलब अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी थे जिनका 10th 12th अदर स्टेट से हुई है, वो जनरल कैटेगरी में आते थे, उन्हें झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था, यानी वो झारखंड के मूल निवासी नहीं थे, उन्हें अब जेटेट परीक्षा देने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। मतलब जितने भी बाहर के आउटसाइड स्टेट के स्टूडेंट है अब वे जेटेट एग्जाम में नहीं बैठ सकते, है ना। तो निश्चित तौर पे भीड़ थोड़ी सी घटेगी और झारखंडी छात्रों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो आपकी जेटेट को लेकर न्यूज आई है, इसमें से अगर जेटेट के जो नए अभ्यर्थी हैं जो 2016 के बाद प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, अगर वे लोग चाहें तो टेट को जल्दी कंडक्ट करा सकते हैं। 31 मार्च 2022 से पहले जेटेट कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वेस्ट बंगाल सरकार को एक निर्देश दिया गया है जिसमें से कहा गया है कि 31 मार्च 2022 से पहले पश्चिम बंगाल सरकार वेस्ट बंगाल टेट का आयोजन करे। वेस्ट बंगाल सरकार को, ममता बनर्जी के सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 31 जनवरी 2022 से पहले वेस्ट बंगाल टेट WB टेट का आयोजन होना अनिवार्य है। अगर इसको आप लोग ग्राउंड करके सरकार पर प्रेशर बनाए या फिर हाईकोर्ट में केस दाखिल करते हैं तो सरकार इस राय को मान सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी किसी भी हाईकोर्ट के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो संभवतः हो सकता है कि 31 मार्च से पहले भी जेटेट का आयोजन सरकार करा सकती है। इसमें से कुछ टेक्निकल इश्यू हमारे झारखंड में जो 10th और 12th की एग्जाम को लेकर है, जो अभी एग्जाम होने वाली है, 10th की एग्जाम होने वाली है बोर्ड एग्जाम और 12th की जो एग्जाम होने वाली है, इसको लेकर हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो जेटेट के आयोजन में, लेकिन सितंबर तक टेट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं, अपनी तैयारी में कमी ना करें। अब रही बात जेटेट की तैयारी कैसे करेंगे, तो जेटेट की तैयारी के लिए हमारे एबी अकेडमी दुमका जेटेट की तैयारी कराती है। जेटेट की तैयारी हमारे क्षेत्रीय भाषाओं के साथ कराती है, मतलब आपको जेटेट का जो आप तैयारी करेंगे उसमें एबी अकेडमी दुमका आपको क्षेत्रीय भाषा की भी तैयारी कराएगी। साथ ही हमारी एबी अकेडमी दुमका अपने सारे स्टूडेंट को लाइफ टाइम मेंबरशिप देती है। क्या देती है? लाइफ टाइम मेंबरशिप क्या है? हमारी जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है, लाइफ टाइम मेंबरशिप में हमारे जितने भी छात्र हमारे जेटेट के लिए इनरोल्ड करेंगे, उन लोगों को जब तक जेटेट क्लियर नहीं होती है तब तक वो हमारे एबी अकेडमी दुमका में पढ़ाई कर सकते हैं। सिर्फ उनको फीस एक ही बार देना है और साथ में जब तक उनका टेट नहीं निकलता है तब तक वे हमारे एबी अकेडमी दुमका से तैयारी कर सकते हैं। हमने जेटेट सीटेट दोनों को मिलाकर कोर्स चालू कर रखा है। आप एक ही फीस में जेटेट और सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास सीटें लिमिटेड है, तो आप लोग देर ना करें, जल्द से जल्द एडमिशन लें। एबी अकेडमी दुमका आपको निश्चित सफलता की गारंटी देती है। ठीक है, नंबर हमने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग इंटर स्तरीय जो 10+2 का कंप्यूटर ज्ञान, जिसमें टंकक की जो पोस्ट है, मतलब पंचायत सचिव की जो पोस्ट है, जिस पंचायत सचिव की वैकेंसी को सरकार कैंसिल की है, साथ ही जितनी भी सीटें क्रिएट हुई है उन सीटों पर अब नई वैकेंसी आएगी, क्योंकि 10+2 परीक्षा संचालन नियमावली 2021 को आज स्वीकृति दे दिया गया है। परीक्षा संचालन नियमावली 2021 10+2 इंटर स्तरीय एग्जाम होगा जिसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, हिंदी टाइपिंग इंक्लूड है। वैसे परीक्षाओं की नियमावली जो 2021 है उसको आज कैबिनेट की अंतिम मोहर लग गई है, तो आप लोग भी तैयारी में जुट जाएं। जेएसएससी की संपूर्ण तैयारी करने के लिए एबी अकेडमी दुमका में संपर्क कर सकते हैं। एबी अकेडमी दुमका आपको पूरी कोर्स की तैयारी बहुत ही मिनिमम फीस में कराती है, तो आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेट जेटेट जेएसएससी जैसे सारी एग्जाम की तैयारी हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ बात करेंगे
कि आने वाली 26,000 नियुक्तियों में बहुत बड़ा मौका मिल सकता है जेटेट वाले विद्यार्थियों को। और अगर जेटेट का कंडक्ट जेटेट कंडक्ट पहले होती है तो हो सकता है सरकार कंबाइंड वैकेंसी निकाले और सुपर टेट की जो सरकार लेने की तैयारी है, सुपर टेट लेने की सरकार तैयारी कर रही है, जो जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें 2016 टेट पास अभ्यर्थी, 2013 टेट पास अभ्यर्थी और 2022 में अगर टेट होती है तो उनके अभ्यर्थी भी एक साथ बैठेंगे। कंपटीशन टफ होने वाली है। तो झारखंड में शिक्षक नियुक्ति, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति को लेकर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी हमारे एबी एकेडमी दुमका से कर सकते हैं। हमारे पास सीटें लिमिटेड है। हम लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। जब तक आपकी एग्जाम नहीं निकलती है तब तक आप एक बार फीस देकर ही लाइफ टाइम तक उस कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, इसको गंवाने ना दें। ये जो ऑफर है ये लिमिटेड समय के लिए है, हमारे पास सीटें लिमिटेड है। सीट फुल हो जाने के बाद ये ऑफर बंद कर दी जाएगी। आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे, है ना। तो जेएसएससी साथ ही जेटेट को लेकर अगर आप में आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो है 9546036623 नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। आई होप वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एवं शेयर करें, साथ ही दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।